हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। कौन कौन सी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो ICAR के अंदर आती हैं। तो आपको इससे जो वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इससे ये चीज़ सीखने को मिलेगा कि आपके स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, और आपको पता रहेगा और आप उनको एक्सप्लोर करने का कोशिश करोगे कि इसका लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था अगर आपको स्टेट में एडमिशन लेना है। अगर आपको पहले से ही नहीं पता कि कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें कितना कट ऑफ जाता है, तो आपको काउंसलिंग के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन सा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, तो इस वीडियो का मोटो यही है कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना, और साथ ही में जो भी जिस स्टेट में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होगी तो उनको भी बारे में बताना, और आगे भी बताऊँगा कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है और क्या आपको बेनिफिट होता है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश की। जो भी स्टूडेंट आंध्र प्रदेश है तो वो देख सकते हैं कि उसमें आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वरा वेटनरी यूनिवर्सिटी, उसको डॉक्टर बाई एस आर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहट में है, जो कि आसाम में है आपकी। उसके बाद बात करते हैं हम बिहार की। बिहार में आपकी तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। आप पहली जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखिए बिहार में, तीन आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है। पहली बिहार में, दूसरी आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, तीसरी रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी UP में स्थित है, झांसी, जिसको झांसी यूनिवर्सिटी से बोलते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़, अब पहले बिहार में आपकी देखिए पहला तो आपका समस्तीपुर में हुई, दूसरी आपकी है भागलपुर में, देन आपकी तीसरी पटना में। तो ये तीन आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में। अगर आपको जो भी बिहार वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनको बिहार में एडमिशन लेना है तो इन तीन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देख लेना कि कितना कितना कट ऑफ गया है। आगे भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि एग्रीकल्चर में किस रैंक तक आपको लास्ट ईयर कॉलेज मिला था और कितने रैंक तक अब मिल सकता है। चलो अब आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो आपकी पहला यूनिवर्सिटी, दूसरा आपकी छत्तीसगढ़ कामधेनु। तो दो आपका यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में, तो उसको देख सकते हो और इस PDF को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने स्टेट के लिए। दूसरा दिल्ली में देखिए, आपका दिल्ली में आपकी एक ICAR की डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसको IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जो कि दिल्ली वाले पूसा में स्थित है। उसके बाद में देखिए गुजरात में आपकी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उनमें देखिए पहला है आपका आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दूसरे है जूनागढ़ एग्रीकल्चर, नवासरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में आप देख रहे हो फोर्थ वाली यूनिवर्सिटी, उसके बाद में कामधेनु यूनिवर्सिटी। तो आपकी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आपकी गुजरात के अंदर हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में आपकी 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उसमें देखिए पहली आपकी CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको कॉमनली बोलते हैं हिसार यूनिवर्सिटी। उसके बाद में है सेकंड है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। देन थर्ड है आपकी NDRI, जिसको करनाल इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, जबकि NDRI है ये आपकी सेकेंड ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। समझ आया कि आपको 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर हैं। देन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में आपका 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको अच्छे से दिख रही हैं। पहली है आपको CSKHP कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जो कि पालमपुर में है। देन सेकेंड डॉक्टर YS फार्मर यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अब देखिए मणिपुर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था, तो देखिए सेकंड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि इम्फाल में है, और इम्फाल आपका फॉल करता है मणिपुर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, जो कि एक तो जम्मू में है और देन सेम यही यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है। देन इसके बाद बात करते हैं झारखंड में कौन सी है। झारखंड में आपकी है यूनिवर्सिटी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आपकी रांची में स्थित है। उसके बाद देखिए बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में आपकी 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले आपकी
रायपुर, बेंगलोर, धारवाड़, बालकोट, उसके बाद देखिए ये कर्नाटका वेटनरी एंड एनिमल फिजिक्स साइंस यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद में है आपकी शिमोगा में, देखिए आपकी 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कर्नाटका के अंदर हैं। देन अब बात करते हैं केरला के अंदर, केरला के अंदर आपकी 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको नाम क्लियरली मेंशन है, आप उनको देख सकते हो। देन बात करते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी 3 हैं, जवाहरलाल नेहरू राजमाता और मध्य प्रदेश परिषद, ये जो आपको यूनिवर्सिटी मेंशन है। अब महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में आपकी पंजाब राव, महात्मा फूले, डॉक्टर वल्लभ साहब, सालवंत, उसके बाद देखिए एक है आपकी इसमें ICR डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आपको दिखी हुई है, और मैंने इससे पहले भी आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि ICR की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, मतलब कितना यूनिवर्सिटीज़ पर ICR एडमिशन लेता है, मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ICR एडमिशन देता है अपनी एग्ज़ाम के थ्रू। अब देखिए बात करते हैं नागालैंड की, तो आपको पता नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना होके सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद हैविंग एग्रीकल्चर फैकल्टी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो पर मतलब टोटली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होती, लेकिन उनमें एग्रीकल्चर का फैकल्टीज़ होती हैं जो एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद में देखिए आप 44 पे आप उड़ीसा में देखिए आपको 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि भुवनेश्वर में है, पंजाब में आपकी 2 हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुरु आनंद देव वेटनरी। उसके बाद राजस्थान में देखिए, उसके बाद में राजस्थान में आपकी 6 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1 बीकानेर, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए बीकानेर उदयपुर, बीकानेर जयपुर, जोधपुर कोटा, इन सब में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं और आप इनका अच्छे से इनका कट ऑफ देख सकते हो जिससे आपको बेनिफिट हो अगर आप राजस्थान में आपको एडमिशन लेना है। देन उसके बाद देखिए तमिलनाडु में भी आपकी 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद एक चेन्नई में, और तीसरी यूनिवर्सिटी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। देन उसके बाद में तेलंगाना में भी आपके पास 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जयाशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना और नरसिम्हा यूनिवर्सिटी। उसके बाद में है आपकी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखिए आप 3 एग्रीकल्चर, सॉरी उत्तर प्रदेश में आपकी 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 3 आपको यहाँ डिस्प्ले हैं और 2 नीचे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपको दिख रहा है फरीदाबाद। देन उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नो यूपी में कुछ ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखिए 3 तो ये रही, उसके बाद में देखिए 4 आपका ये सरदार वल्लभ भाई, यानी आपकी 63 वाली भी इसी में है, और आपकी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो मैंने आपको बताया झांसी वाली यूनिवर्सिटी रानी लक्ष्मीबाई, तो वो भी आपकी यूपी में ही है। देन उसके बाद में देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो मैंने बोला था ना कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें टोटली वो एग्रीकल्चर प्रोवाइड नहीं कराती, बट उनमें एग्रीकल्चर का फैकल्टी होता है, तो उनको सेंट्रल तो वह है लेकिन उनमें एग्रीकल्चर का फैकल्टी है, तो उनको बोलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ विद एग्रीकल्चर फैकल्टी। तो आपको पहला कौन सा बताया था मैंने, देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ और उसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, एक आपको मैंने अभी ऊपर बताई थी, देखिए नागालैंड यूनिवर्सिटी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा जितना भी मैंने आपको बताया है। देन उसके बाद में एक ICR यूनिवर्सिटी है जो कि इज्जत नगर में है, जिसको बोलते हैं IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में आपकी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है JB पंत यूनिवर्सिटी जो आपकी पंत नगर में है, देन सेकेंड आपका उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अब उसके बाद में नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपका 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, अब 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को आप देख सकते हो आपकी डिस्प्ले पर मेंशन है। देन देखिए इसमें आपके एक यूनिवर्सिटीज़ और है जिसमें एग्रीकल्चर का फैकल्टी है जो कि आपको पता है आपको विश्वा भारती जो आपकी इसमें एग्रीकल्चर का फैकल्टी है।
तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको समझ आया होगा। और हाँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ एक पॉइंट जिसको मैं मेंशन करने वाला था। पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी। देखिए इनके बीच में आपको डिफरेंस बताता हूँ। और आप जो मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा था कट ऑफ के बारे में, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो 100% सीटें हैं वो ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट उसको फिल कर सकता है। सपोज दैट मैं अपना यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बात करूँ, माना कि कोई भी कोर्स है जैसे कि आप मान लीजिए एग्रीकल्चर है, जिस माना कि उसमें 60 सीट्स हैं, तो 60 सीट्स को कोई भी बंदा ले सकता है। उसको बिहार वाला भी ले सकता है, राजस्थान वाला भी ले सकता है, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूरा ऑल ओवर इंडिया वाला स्टूडेंट ले सकता है 100% सीट्स पे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ स्टेट की, जैसे कि मैं अपना स्टेट बात करूँ राजस्थान, तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान में अगर माना कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोटा वाली हो, जोधपुर वाली हो, उसमें अगर 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स को मैं अगर बिहार से हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, अगर कोई बिहार वाला उनको लेना चाहेगा 100% पे नहीं कर सकता, उनको अप्लाई नहीं कर सकता। उन पर बस सिर्फ जो स्टेट वाले होते हैं उनका वो होता है, देन जो 15% सीट्स होती है उनको अदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि क्या स्टेट और क्या सेंट्रल। और इनकी अगर हम बात करें, अगर आपको सीट्स अगर आपको लेना है काउंसलिंग में, तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आप उस पर अप्लाई करें, उन यूनिवर्सिटीज़ को अपने टॉप पोजीशन पे रखें जिनमें कि ज़्यादा सीट्स हैं, ज़्यादा सीट्स हैं। और क्या, क्योंकि उनमें ऑल इंडिया वाला भी ओवरऑल अप्लाई कर पाए। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो आप जब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा अपनी प्रेफरेंस में रखें। सो आई होप इस वीडियो में इतना ही आपको जो बताया वो समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोई भी प्लेसमेंट से रिलेटेड, कोई भी यूनिवर्सिटी कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप मेरे से टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी हैंडल मेरा टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, और उसके बाद में आप कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिट्यूड।